हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना शर्मा अपने चैनल चाचीज किचन कुकबुक पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने आलू के हलवे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 600 ग्राम आलू लिए हैं, जिनको कि मैंने ग्रेट करके रख लिया है, यानी कि कद्दूकस करके रख लिया है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून किशमिश, 4 टेबलस्पून देसी घी, 1/4 कप यानी 1/4 कप चीनी। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही हम इसके अंदर आलू डालेंगे और आलूओं को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। आलू का हलवा व्रत की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी होती है। मैं इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे हाई फ्लेम पर बनाऊँगी। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाएं तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लें। आलू को भुनने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। आलू के भुनने की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब इनका कच्चापन निकल जाता है तो इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और इनमें से एक्स्ट्रा घी निकल जाता है। नॉनस्टिक कढ़ाई में कम घी से भी हलवा भुन जाता है, लेकिन अगर आप सादी कढ़ाई रखते हैं तो आपको नॉनस्टिक के मुकाबले थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना पड़ता है। शायद आप ये नहीं जानते कि आलू में बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए बच्चों को और मरीजों को आलू खाने को कहा जाता है, क्योंकि ये पचाने में बहुत आसान होते हैं और शरीर को शक्ति भी देते हैं। इसे भूनते हुए मुझे लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं और इसमें से ऑयल निकलने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारी चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसमें भी लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। आलू में मौजूद विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे जो तत्व हैं वो हमारी आंतों में और हमारी पाचन तंत्र में जो स्वेलिंग आ जाती है उसको भी कम करते हैं, जिससे कि हमारी पाचन की शक्ति बढ़ जाती है। आलूओं में चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे बादाम और किशमिश। थोड़े से बादाम और किशमिश हम गार्निश के लिए रोक लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने आज तक आलू का हलवा कभी बनाकर नहीं खाया है तो मेरे कहने से आप एक बार इस हलवे को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब बादाम और किशमिश से गार्निश करते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद इसमें डाल सकते हैं। हमारा हलवा बनकर तैयार है। आप इसे इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। सच मानिए, आपके कमेंट्स पढ़कर दिल को बहुत खुशी होती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।